मुकेश अंबानी ने रिलायंस के शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया है। जिन निवेशकों ने रिलायंस का शेयर जियो फाइनेंशियल का शेयर पाने के लिए खरीदा था, उनका पैसा एक दिन में ही डबल हो गया है। कैसे हुआ है ये, इसका पूरा गणित आपको आज इस स्टोरी में हम समझाएंगे। रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के बाद वीरवार को सुबह जियो फाइनेंशियल के शेयर का प्राइस डिस्कवर किया गया। प्राइस डिस्कवर के लिए एक घंटे का स्पेशल सेशन रखा गया। इस सेशन में जियो फाइनेंशियल के एक शेयर का भाव 262 रुपए डिस्कवर किया गया। इस आधार पर रिलायंस के शेयर का भाव 2680 रुपए आया, क्योंकि बुधवार को रिलायंस के शेयर का भाव 2840 रुपए था। बुधवार के क्लोजिंग भाव से जियो के शेयर का भाव घटाने के बाद रिलायंस के शेयर की ट्रेडिंग शुरू हुई। अब आपको समझाते हैं कैसे जियो फाइनेंशियल के शेयर पर निवेशकों का एक दिन में पैसा डबल हो गया। डीमर्जर से पहले रिलायंस ने अपने शेयर की एक्विजिशन कॉस्ट 95.32% रखी थी और जियो फाइनेंशियल की एक्विजिशन कॉस्ट 4.68% रखी थी। इसका मतलब हुआ 19 जुलाई को जिस निवेशक ने रिलायंस के शेयर खरीदे थे उसने जियो फाइनेंशियल के लिए 133 रुपए चुकाए, क्योंकि 19 जुलाई को रिलायंस के शेयर का भाव 2840 रुपए था। ऐसे में एक्विजिशन कॉस्ट जियो फाइनेंस की 133 रुपए हुई और आज जियो फाइनेंस का प्राइस 262 रुपए डिस्कवर किया गया है। इस तरह से 19 जुलाई को रिलायंस के शेयर खरीदने वाले निवेशक 100% के मुनाफे पे हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर कहा जा रहा है कि जियो फाइनेंस के शेयर धारकों का पैसा एक ही दिन में डबल हो गया। अभी जियो फाइनेंशियल के शेयर स्थिर बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग नहीं हुई है। लिस्टिंग और शेयर अलॉटमेंट की तारीख भी अभी फाइनल नहीं हुई है, इसलिए कहा जा रहा है कि अभी जियो फाइनेंशियल के शेयर स्थिर बने रह सकते हैं। 19 जुलाई को कारोबारी दिन के आखिर में जिन जिन शेयर होल्डर्स के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे उनको एक एक के रेशो में JFSL यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर हैं तो आपको JFSL के भी 100 शेयर दिए जाएंगे, लेकिन आप स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होने की तारीख तक JSFL शेयरों में ट्रेड नहीं कर सकते। रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में 6 कंपनियां शामिल हैं: रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट। जियो फाइनेंशियल का प्लान कंज्यूमर और मर्चेंट लैंडिंग बिजनेस शुरू करने का है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की दिग्गज कंपनी मैक्वेरी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को मार्केट ग्रोथ के मामले में पेटीएम और दूसरी फिनटेक कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। बस तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें बस तक प्रीमियम। मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।